شیخ عثمان ابن فاروق ویلکم بخیر راغلی خوش آمدید بختویه خوش آمدید برادر هاو آر یو الحمدلله ام گود هاو آر یو آی ام وری گود اند آی نید جاست یور 5 تو 10 مینیتس if you don't mind sure listen if you don't mind just 5 minutes you asked me a question let me answer yes. you have put challenge to the whole world yes whether there is error in Quran sure. or not sure. and if there is error mm-hmm. you are going to leave Islam excellent okay uh-oh. So uh-oh. I want to know okay, hold on. What is error for you I'll tell you wait, what wait. Is the definition of error for you I got you I will answer you relax oh I'm relaxed brother okay, good. We have a da'wah today on Sunday because right now there are people waiting for me to go to lunch you didn't make a time you didn't I'm not I don't have a stand here or something right no problem so, I'll tell you no what. Problem on Sunday brother? Just 5 minutes. Let me listen. Let me just 5 minutes. Okay, are you listening? You know, are you listening? Yasir Qadhi said. Okay. It's not easy, Yasir. No. Okay. I cannot write Musaf on black. Okay. I'm not telling you to write the whole Quran. Again. I'm not telling you to write the whole chapter. Sure. I want you to write here just one Quranic verse. Okay. Quran 3:146. Okay. Quran 3:146 from the verse Quran. No, brother, no lame excuse. कोई हिला बाना नहीं ना आपने भागना है ना हमने आपको कहीं जाने देना है सिर्फ आप इस पे कुरान की आयत लिख देंगे तो अगर उसमें गलती हुई तो आप इस्लाम छोड़ देंगे और अगर उसमें गलती ना हुई तो फिर आप सच्चे ये मेरी पेपर आपके सामने है मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उसको रखूंगा आप यहाँ पर कुरान 3:146 अरबी में लिख दें उसकी ट्रांसलेशन लिख दें हफ्स में से और वर्ष में से ठीक है अगर उसमें मिस्टेक हुई एरर हुआ कॉन्ट्रडिक्शन हुई तो आप इस्लाम छोड़ देंगे अपना वादा पूरा करेंगे अब देखिए देखिए मैं बहुत लंबी ड्राइव करके यहाँ पे आया हूँ बात सुन रहे हैं ना मुझे बोलने दे रहे हैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता ऐसे नहीं होता नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता कुरान की आयत देखिए ना मैं आपको पूरा कुरान कह रहा हूँ ना पूरी सूरत कह रहा हूँ एक कुरान की आयत देखें आपने वादा पूरा करना देखें इसके बाद आज का आपका हल्का शरीफ ये आप देखें ना आज देख रहे हैं। आपका हल्का शरीफ भी हराम हो जाएगा ना मुझे बोलने दे रहे हैं आपका हल्का शरीफ हराम हो जाएगा इस तरह की गुफ्तगू नहीं करना नहीं 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 आप देखें आप बात सुने आप समझते हैं क्या मुझ पर कोई गौर करेंगे या मैं आपसे डरता हूँ या आप आके मैंने ऐसी कोई बात नहीं आप देखें मैं आपका पाकिस्तानी भाई हूँ आप मेरे भाई नहीं आपका पाकिस्तानी भाई नहीं हूँ आप मेरे भाई देखिए आप हीला बहाना बना रहे हैं भाई नहीं है ना मैं कोई बहाना बना रहा हूँ आप मेरी आप बात सुने इसका मतलब आप मुझे बोलने सच्चा नहीं है। दे रहे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ऐसी गुफ्तगू नहीं होती सिर्फ आप मेरे कोई बॉस नहीं है कि आप मुझे आके हुक्म करें ये लिखो वो लिखो नहीं नहीं बात सुने आप बात सुने अब आप सब लोग देख लें आप इंग्लिश में बुजदिल बंदा ये मुझे बोलने नहीं दे एक्सक्यूज इंग्लिश में कहते हैं मैंने कोई बहाना नहीं बनाया मैंने कोई बहाना नहीं बनाया ये सिर्फ एक आयत लिखने से भाग रहे हैं मैं जो आप, मर्जी आयत लिखूंगा जो मर्जी है मैं बिल्कुल वादा नहीं इसका तोड़ता मतलब ये मेरा कोई बॉस नहीं है कि मुझे क्या इधर ये लिखो ठीक है से चल के बाहर मैं बिल्कुल इस बहन ने मुझे कहा किसी का कोई सवाल था आप इससे एग्री करते हैं सवाल नहीं है यासर कादी की कोटेशन से एग्री करते हैं जब आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप लोग सब आप इसको ये बुजदिल बंदा से एग्री करते हैं यासर कादी से जब बोल नहीं सकता मैं बुजदिल नहीं हूं सीखने की कोई जरूरत ना मैं बुजदिल हूं ना मेरे गजवाओं में दांत टूटे हैं मैं बुजदिल नहीं हूं आपने लगता है आज नस्वार की फक्की नहीं सुबह खाई अगर आपने नस्वार की फक्की खाई होती आप चैलेंज में हार गए हैं आप इस्लाम से खारिज हैं आपको आज के बाद मुर्तिद और खारिज पुकारा जाएगा क्योंकि आप इस्लाम से खारिज हो चुके हुए हैं आप कुरान पूरा क्या एक सूरत पूरी क्या एक आप आयत नहीं लिख सके